हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी आत्मा की शांति की कामना कर रहे हैं, साथ ही लोग उनके परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं। सलमान से लेकर देखिए अक्षय जैसे बड़े बड़े स्टार्स ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख जताया। लेकिन बॉलीवुड के दो बड़े खान शाहरुख और आमिर ने एक्टर के निधन पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और जिसके बाद से ही इन दोनों पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई कल से लेकर अभी तक इनकी सुबह नहीं हुई है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये लोग आउटसाइडर्स के प्रति कोई लगाव नहीं रखते, और यही वजह है कि भाई शाहरुख और आमिर के ट्वीट ना करने से लोग अब काफ़ी नाराज हैं। आपको बताते चले कि ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख और आमिर कई हस्तियों के निधन पर ट्वीट ना करने की वजह से निशाने पर आए हों। इससे पहले भी ये एक्टर्स कई बार ट्रोल हो चुके हैं। जहां शाहरुख और आमिर सिद्धार्थ के निधन पर कुछ भी बोलने से चुप हैं, तो वहीं सलमान खान को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। जी हां, सिद्धार्थ ने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था और वो शो के विजेता भी बने थे। शो के दौरान सलमान खान सिद्धार्थ को काफ़ी अप्रिशिएट भी करते थे, हालांकि देखिए कभी कभी उनकी गलतियों पर उन्हें फटकार भी लगाते थे। सलमान ने एक्टर के निधन पर दुख जताते हुए बकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि गॉन टू सून सिद्धार्थ, यू शैल बी मिस्ड, कंडोलेंस टू द फैमिली, रेस्ट इन पीस। तो अक्षय कुमार ने भी एक्टर की मौत पर शोक जताया है और बकायदा ट्वीट कर लिखा है, Really sad to know about the passing away of Siddharth. I didn't know how personally, but it's a heartbreaking to know of such a talented life gone so soon. Om Shanti. तो बताते चले कि सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन के ये तमाम स्टार्स एक्टर के घर पहुंच रहे हैं। असीम रियाज से लेकर अर्जुन बिजलानी, रश्मि देसाई, गौहर खान समेत कई लोग एक्टर को आखिरी बार नमन करने पहुंच रहे हैं।